त्रिपुरा की पहली महिला सीएम बन सकती है प्रतिमा भौमिक। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद, धनपुर सीट से 3,500 वोट से जीती चुनाव। त्रिपुरा में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। इस बीच राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि मानिक साहा को भाजपा फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है, लेकिन अब इस रेस में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का नाम सामने आ रहा है। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। राज्य में पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजे जाने वाले सेंट्रल सुपरवाइजर से टॉप लीडरशिप उनके नाम पर राय शुमारी के लिए कहा गया है। यदि भौमिक मुख्यमंत्री बनती हैं तो वे उत्तर पूर्वी राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। सूत्रों के मुताबिक होली से पहले ही दो सेंट्रल सुपरवाइजर त्रिपुरा भेजे जाएंगे। राय शुमारी पॉजिटिव रहने के बाद विधायक दल के नेता के रूप में भौमिक का नाम मुख्यमंत्री मानिक साह प्रस्तावित करेंगे। प्रतिमा मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री है। पार्टी ने उन्हें त्रिपुरा के धनपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और इस सीट पर वह 3,500 वोट से जीती है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मानिक साह 5 बार विधायक चुने गए थे। पीएम मोदी महिला वोटरों को अपनी जीत का मुख्य सूत्रधार मानते हैं, इसका जिक्र उन्होंने कई भाषणों में किया है। फिलहाल भाजपा शासित राज्यों में से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में अभी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में पहली महिला मुख्यमंत्री। भाजपा सूत्रों का मानना है कि त्रिपुरा का सीएम कौन होगा यह फैसला दिल्ली से पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, लेकिन मामला चूंकि नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा से जुड़ा है इसलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके महत्वपूर्ण किरदार हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए प्रतिमा भौमिक को सामने रख महिला कार्ड खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट से बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। महिलाएं हैं बीजेपी की साइलेंट वोटर। भाजपा नेताओं ने संकेत दिया कि 2024 के आम चुनाव में महिलाओं तक पहुंचने के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जाएंगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्रचार से पीएम मोदी ने महिलाओं के उत्थान और विकास पर खूब जोर दिया था। उन्होंने पार्टी नेताओं को कहा था कि महिलाएं ही भाजपा का साइलेंट वोटर हैं। इससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत का क्रेडिट महिला वोटर्स को दिया था। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में 16 फरवरी को 60 सीट पर 86.10% मतदान हुआ। यह पिछले चुनाव से 4% कम रहा। 2018 में त्रिपुरा में 59 सीटों पर 90% मतदान हुआ था। बीजेपी प्रति सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके साथ ही भाजपा ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पिछले चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने विप्लव देव को सीएम बनाया था, लेकिन मई 2022 में मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी ने साहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। 2023 के चुनाव में भाजपा ने सभी 60 लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन ने क्रमशः 47 और 13 सीटों पर चुनाव लड़ा। टिपरा मोथा पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस तरह राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला की उम्मीद है। 2018 के चुनाव में भाजपा को 35, सीपीआईएम को 16 और आईपीएफटी को 7 सीटें मिली थी और भाजपा ने सरकार बनाई थी।